गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको इतिहास जो मैं पढ़ा रहा हूं, शायद किन बच्चों को प्रॉब्लम्स होगी। अभी मैंने कुछ बच्चों से कॉल भी किए तो बच्चों का ऐसा कहना था कि लेक्चर्स हमें पढ़ने में तकलीफ हो रही है या फिर लेक्चर्स लेंदी हो रहे हैं। बट याद रखो, क्वेश्चन मैं क्या बताऊंगा ऐसा भी नहीं आएगा, क्वेश्चन आप क्या बताओगे वैसा भी नहीं आएगा, क्वेश्चन डिसाइड करेगी यूपीएससी। और आज ऐसे सिंगल सेंटेंस वाला आंसर, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। अभी स्टेटमेंट्स का जमाना आ गया है। स्टेटमेंट्स आप तभी करेक्ट चूज कर पाओगे जब आप उसके पीछे का लॉजिक समझोगे, ठीक है। तो आपको अगर लेंदी लगते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। बट मैं जो बता रहा हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर किसी भी एंगल से आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने इतने एक्सप्लेनेशन के साथ लेक्चर्स कंडक्ट किए हैं। कोई बात नहीं, अभी हम आज एनडीए के एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल पर डिस्कस करेंगे। ये जो सवाल आज डिस्कस करेंगे वो एंशियंट एंड मीडिएवल इंडियन हिस्ट्री के सवाल है। तो कुछ सवाल की स्लाइड मैंने बनाई है और इसमें का बहुत सारा पोर्शन आपको पढ़ाया भी गया है। अगर आपको आते हैं तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। अगर नहीं भी आते तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉर्स एंडेड बाय द ट्रीटी ऑफ सालबाई। अभी ये सालबाई की ट्रीटी क्या है? ये ट्रीटी है फर्स्ट वॉर ऑफ एंग्लो मराठा, मतलब ब्रिटिश और मराठाओं के बीच में पहला जो वॉर हुआ था वो हुआ था एंड इस सालबाई की ट्रीटी से। तो 1775 से लेके 1782 तक ये वॉर चला, 7 साल तक ये युद्ध चला। और इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? तो ये हुआ सालबाई का ट्रीटी। तो आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट मराठा वॉर विथ हुम? ब्रिटिश। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बहादुर शाह जफर 2। ये एनडीए 2013 में पूछा गया सवाल है। बहादुर शाह जफर कौन है, ये सबसे पहले हमें ध्यान में लेना है। बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर थे। कौन थे? लास्ट मुगल एम्परर। अभी लास्ट मुगल एम्परर 1857 के रिवॉल्ट के टाइम क्या होता है, पूरी इंडियन टेरिटरीज या फिर इंडियन जो भी छोटे मोटे स्टेट्स थे उन्होंने रिवॉल्ट में पार्टीशन लेना चाहा। और इस रिवॉल्ट का नेतृत्व अगर किसी के ऊपर सौंपा तो वो थे बहादुर शाह जफर। क्योंकि उस समय मुगलों के बादशाह कौन थे, दिल्ली के बादशाह कौन थे, तो वो थे बहादुर शाह सेकंड। अभी इनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है। अभी ये स्टेटमेंट्स आपको इतने में खत्म नहीं होंगी कि बहादुर शाह कौन थे, को लास्ट मुगल एम्परर, ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये इसके लिए मैंने आपको उतना लॉन्ग आंसर्स, इतनी आपको थ्योरी बताई थी। ऐसे अगर स्टेटमेंट दिए गए तो आप उसमें से आसानी से आपका करेक्ट आंसर चूज कर पाओगे। देखो तो द रिबेल ऑफ 1857 प्रोक्लेम्ड देयर लॉयल्टी टू हिम, मतलब सारे राजाओं ने इसका, बहादुर शाह जफर सेकेंड का जो है उसका प्रतिनिधित्व मान लिया था, स्वीकार कर लिया था। यह स्टेटमेंट तो सही है। ही वॉज किल्ड बाय लेफ्टिनेंट हॉडसन, अ कॉवर्ली ऑफिसर ऑफ दिल्ली। अभी इसके बारे में आपको जरा डाउट है क्योंकि इसकी हत्या नहीं की गई थी बहादुर शाह जफर की, इनको कैद में डाला गया था। ये एक रीजन है, ये एक डाउटफुल है। अभी आगे की स्टेटमेंट भी देखते हैं। ही वॉज रेल्यूकेंट टू लीड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन द बिगिनिंग। क्या है लीड द रिवॉल्ट ऑफ 1857, मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है, ठीक है। और ही वॉज अ पोएट।
अभी आपको फिर से वो लेक्चर सुनना पड़ेगा 1857 के रिवॉल्ट का, जिसमें मैंने बताया था बहादुर शाह जफर ये एक अच्छे पोएट भी थे। तो आपको यहां पर याद रखना है, फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट तीनों को, तीनों सही है, और गलत कौन सा है तो ये है बी से। तो आंसर क्या रहेगा, बी। अभी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एनडीए 2013 में पूछा गया सवाल है। अभी स्टेटमेंट्स क्या है ये देखो, आईने अकबरी इज द थर्ड बुक इन द अकबरनामा रिटन ड्यूरिंग द रेंज ऑफ मुगल एम्परर अकबर। ठीक है, अभी अकबरनामा क्या है आपको मैंने पढ़ाया था, अकबरनामा ये बायोग्राफी है अकबर की। ठीक है, अकबर की बायोग्राफी जो किसने लिखी थी ये भी मैंने आपको बताया था। अभी देखते, अबुल फजल वाज द ऑथर ऑफ द फर्स्ट टू बुक्स ऑफ अकबरनामा व्हाइल अकबर वाज द ऑथर ऑफ थर्ड। अभी क्या होता है कि अकबरनामा नामक जो किताब है ये अबुल फजल ने लिखी है। ये किताब तीन सेक्शन में डिवाइड है, अकबर नामा में फर्स्ट जो पार्ट है और सेकंड जो पार्ट है उसमें अकबर के एंसेस्टर की इंफॉर्मेशन दी है, उसके पूर्वज कैसे थे इसके बारे में जानकारी दी है, और तीसरा मतलब सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसको आईने अकबारी कहा जाता है। ये तीसरा पार्ट है अकबरनामा का। अब इसमें क्या इंफॉर्मेशन दी है तो वो दी गई है, अकबर का राज्य कैसा था, कहां तक वो फैला हुआ था, उसके राज्य में कैसे कैसे सरदार थे, कौन सी एरिया से कितनी आमदनी आती थी, मतलब अकबर के पूरे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन आपको अकबरनामा में दी जाती है। अभी आईने अकबरी इज द थर्ड बुक इन द अकबरनामा रिटन ड्यूरिंग द रेंज ऑफ मुगल एम्परर अकबर, ये तीसरा पार्ट है आईने अकबरी। पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट अबुल फजल वाज द ऑथर ऑफ फर्स्ट टू बुक्स ऑफ अकबरनामा व्हाइल अकबर वाज द ऑथर ऑफ थर्ड। देखो बेटा यहां पर क्या है, अबुल फजल ने ही पूरा अकबरनामा लिखा था, याद रखो, और अकबर के बारे में जो दिया है व्हाइल अकबर वाज द ऑथर ऑफ थर्ड, मतलब आईने अकबरी का लेखक कौन है तो यहां पर अकबर दिया गया है स्टेटमेंट में। बट याद रखो अकबर ये सबसे कम पढ़ा हुआ मुगल शासक था तो सवाल ही पैदा नहीं होता उसने आईने अकबरी लिखी हो, तो ये स्टेटमेंट डाउटफुल है और यही गलत स्टेटमेंट है। हालांकि अबुल फजल में जो यहां पर दिया गया है कि फर्स्ट टू का ऑथर अबुल फजल है ये भी गलत है, क्योंकि अबुल फजल तीनों सेक्शन का राइटर है, ये बात आपको याद रखनी है। द बेस्ट नोन अकाउंट्स ऑफ इलुस्ट्रेट मुगल ऑफिसर ऑफिशियल रिपोर्ट्स आर द अकबरनामा एंड द बाबरनामा। अभी अकबरनामा क्या है और बाबरनामा ये भी आपको याद रखना है। अभी ये जो है ये फर्स्ट हैंड सोर्सेस है, प्राइमरी सोर्सेस है। प्राइमरी सोर्सेस क्या होते हैं, कंटेम्पररी जो रिटर्न लिखे गए हैं। अभी समझो इतिहास, अगर अकबर के समय में मैं रहता उसके दरबार में जो भी कुछ चालू है, जो भी कुछ घटित हो रहा है, उसको अगर मैंने लिख रहा हूं उसी समय में, तो मैंने आंखों देखी वहां पर लिखी है, तो वो प्राइमरी सोर्स बनता है। अभी क्या होता है कि यहां पर जो बाबरनामा और अकबरनामा का उल्लेख किया है, बाबरनामा बाबर ने लिखा था, ये ऑटोबायोग्राफी थी, और अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा है, ये बायोग्राफी। अभी क्या है कि बाबरनामा भी बाबर ने लिखा है तो वो कंटेम्पररी हिस्ट्री है और कंटेम्पररी राइटिंग है, और अकबरनामा जैसे कि अबुल फजल अकबर के दरबार में था, नवरत्न दरबार में से एक था, नवरत्नों में से एक था, तो क्या है कि ये भी कंटेम्पररी है। तो ये बेस्ट नोन अकाउंट है किसके, तो मुगल ऑफिशियल रिकॉर्ड से, रिपोर्ट्स के, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो हमारा यहां पर क्या है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज करेक्ट, करेक्ट यहां पर बी सेकंड जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और थर्ड स्टेटमेंट सही है, कौन सी है यहां पर बी, तो आंसर क्या रहेगा बी, याद रखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू जैन लिटरेचर, जैन लिटरेचर को याद करो।
मैंने आपको बताया था जैन लिटरेचर में जैन लिटरेचर को क्या कहा गया है, तो वो आंसर है अगमा। अभी बट दूसरा जो स्टेटमेंट है उसको भी जरा समझ लेते हैं। द सेक्रेड बुक्स ऑफ जैनास आर नोन एज सिद्धांत और अगमा, ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द लैंग्वेज ऑफ अर्लीस्ट जैन टेक्स्ट इज ईस्टर्न डायलेक्ट ऑफ पाली नोन एज अर्धमागधी, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज करेक्ट और करेक्ट। अभी क्या है, ये जो स्टेटमेंट है ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जैन टेक्स्ट जो है वो पाली लैंग्वेज है मोस्ट ऑफ दी। तो यहां पर हमारा आंसर क्या रहेगा, तो ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या है, द सैक्रेड बुक ऑफ जैनास आर नोन एज सिद्धांत और अगमा। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट पर जाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक्स एक्सपेरिमेंट्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग टोकन करेंसी कुड नॉट बी सक्सीड ऑन अकाउंट ऑफ। अभी आपको याद करो, हमने मोहम्मद बिन तुगलक के सारे एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़े थे। अभी इन एक्सपेरिमेंट्स में से एक था टोकन करेंसी का एक्सपेरिमेंट। अभी ये जो टोकन करेंसी का एक्सपेरिमेंट है ये अनसक्सेसफुल क्यों हुआ, ये आपको याद रखना है, और ये आपको मैंने बताया भी था। उसने क्या किया कि जो भी कॉपर के कॉइन्स थे वो लोगों से मांग लिए, ठीक है, और उनके लोगों के पास में जो भी प्रीसियस मेटल मतलब गोल्ड और सिल्वर के जो भी कॉइन्स थे वो लोगों से मांग लिए, और लोगों को कौन से इसमें इसके रिटर्न में कौन से कॉइन दिए, तो वो दिए कॉपर के। बट उसकी वैल्यू क्या की, अगर सोना समझो, सोना आज भी कॉपर से महंगा है, बट उसने क्या किया, कॉपर और सोने को सेम भाव पर ला लिया। मतलब एक सोने के सिक्के से मैं कुछ अगर सेम एक स्कूल बैग खरीदता हूं तो उसी सोने की कीमत से उसी सोने के सिक्के की कीमत अभी कॉपर के सिक्के को आ गई थी। अगर कॉपर का सिक्का भी मैं मार्केट में लेके जाऊं तो वही बैग मुझे उतने ही पैसे में एक ही सिक्के में मिलेगी। ऐसा इसका सेम सिंपल फंडा था, टोकन करेंसी जिसको कहा गया है। आज भी हम टोकन करेंसी ही यूज करते हैं, ये पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने उस समय आपको बताया था। अभी ये इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, ये आपको याद रखने हैं कि क्या है इसके, ये जो टोकन करेंसी है ये अनसक्सेसफुल किस रीजन से हुआ था। रिजेक्शन ऑफ टोकन कॉइन्स बाय फॉरेन मर्चेंट्स, ये एक कारण था, मैंने आपको बताया था। शॉर्टेज ऑफ कॉपर फॉर मिंटिंग टोकन कॉइन्स, लार्ज स्केल मिंटिंग ऑफ स्परियस कॉइन्स, पुअर क्वालिटी ऑफ टोकन करेंसी। अभी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन कौन था कि टोकन करेंसी का जो एक्सपेरिमेंट है वो कोलैप्स हो जाए, तो इसमें सबसे पहला रीजन था वो था फॉरेन मर्चेंट्स का। भारत में आज भी टोकन करेंसी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, बट क्या है कि उसके ऊपर हमने हमारा पूरा ध्यान लगाया है, और हमारी मार्केट की वैल्यू, हमारे रुपए की वैल्यू बाकी देशों के कंपैरिजन में चढ़ उतार उसमें होते ही रहते हैं। तो आज की साइंटिफिक इकोनॉमी की डेफिनेशन से हमने हमारा टोकन करेंसी का सिस्टम आज हम चला रहे हैं, बट उसके समय में उसने वो बातें ध्यान में रखी नहीं थी। उसने अपने राज्य में लोगों को कहा था कि आपको हाँ सोने के सिक्के से वही चीज मिलेगी जो कॉपर के सिक्के से मिलेगी, ठीक है। तो ये जो बात थी ये फॉरेन कंट्रीज में या फिर दूसरे राज्य में तो लागू नहीं हो सकती थी, लोगों को प्रीसियस मेटल ही मालूम थे। तो ये बात याद रखो कि इसके पीछे सबसे पहला रीजन और सबसे तगड़ा रीजन कौन सा होगा कि टोकन करेंसी कोलैप्स हो जाए, तो वो था रिजेक्शन ऑफ टोकन कॉइन्स बाय फॉरेन मर्चेंट्स। ये आपका आंसर रहेगा ए, ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अभी टेराकोटा प्लाव ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन फाउंड एट, ये क्वेश्चन पूछा गया एनडीए एग्जामिनेशन 2012 में। आपको एक चार्ट दिया गया था आपके नोट्स में, और नोट्स में आपको बताया गया था कि हरप्पन इस साइट में ये चीजें मिली हैं। तो टेराकोटा प्लाव के बारे में भी उसमें इंफॉर्मेशन दी गई थी, जो कहां पर मिलता है, बनावली में। तो आंसर क्या रहेगा आपका, बी। अभी एनडीए 2012 का एक क्वेश्चन है, विच
Among the following is not correct about the cave paintings at Ajanta. Ajanta की गुफाओं के बारे में ये क्वेश्चन है. आप में से बहुत सारे लोगों ने ये गुफाएं देखी होगी. अभी इसके बारे में स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इसके बारे में भी हम जानते हैं. अभी सीन्स हैव नो डिवाइडिंग फ्रेम एंड ब्लेंड इनटू ईच अदर. ठीक है, सीन्स आर बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर इन नेचर. इन्फ्लुएंस ऑफ गंधर्व आर्ट इन सीन. और लास्ट स्टेटमेंट है, सीन्स मोस्टली डिपिक्ट टेल्स फ्रॉम जातकास. अभी आपको, आप अगर अजंता गए होंगे तो वो बुद्धिस्ट केव्स है. ठीक है, बट बुद्धिस्ट केव्स होने के कारण वहां पर क्या क्या बातें हुई है, मतलब आर्किटेक्चर जो था उस गुफा का, उसमें क्या क्या बातें डिनोट की गई है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए. अभी जातका स्टोरी क्या है, ये भी पहले, ये जो स्टेटमेंट नंबर डी है इसके बारे में जानते हैं. जातका स्टोरी ऐसी स्टोरीज है जिसमें गौतम बुद्ध के बारे में कुछ स्टोरीज दी गई है, और बुद्ध के पहले भी कुछ बुद्ध हो चुके थे ऐसा कहा जाता है इन जातका स्टोरीज में. तो गौतम बुद्ध के पहले जो बुद्ध हो चुके थे उनके बारे में भी यहां इसमें स्टोरीज दी गई है. ठीक है, तो उनको जातका स्टोरीज कहा गया है. तो ये जो स्टोरीज है, इस स्टोरीज के जो भी चित्र थे, मतलब कहानी के जो भी चित्र हम अगर कहानी सुनते हैं या फिर बताते हैं तो जो भी इमेजेस हमारे दिमाग में आती है, ऐसी इमेजेस जिससे जातका स्टोरीज कही जाती है, वो अजंता की केव्स में, पेंटिंग्स में हमें दिखाई देती है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही है. अभी सीन्स हैव नो डिवाइडिंग फ्रेम एंड ब्लेंड इनटू ईच अदर. अलग अलग फ्रेम दी गई है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है. सीन्स आर बोथ रिलीजियस एंड सेक्युलर इन नेचर. ठीक है, तो ये भी आपको सही ही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये पूरे के पूरे सेक्युलर थे. मतलब वहां पर आपको बुद्ध भी मिलते हैं. ठीक है, वहां पर जैनिज्म आर्किटेक्चर का भी उसके ऊपर प्रभाव दिखता है. तो सेक्युलर पेंटिंग्स हमें एक सेक्युलरिज्म का मैसेज उस रिलीजियस पेंटिंग्स में दिखाई देता है. अभी ये जो थर्ड नंबर का स्टेटमेंट है, ये सबसे डाउटफुल है. अभी गंधर्व आर्किटेक्चर क्या है और गंधर्व आर्ट क्या है, तो ये ऐसी आर्ट है, गंधर्व आर्ट, जो पाकिस्तान का एरिया है, उसमें कंधार नामक एक ठिकाना है. ठीक है, और उस एरिया को गांधार का प्रदेश उस समय में कहा जाता था. अभी कुषाण सम्राट जब भारत में आए, कुषाणों का जब भारत में इन्वेंशन हुआ, तो उन्होंने ये आर्ट डेवलप की है. अभी क्या है, कुषाण आए थे कॉमन ईरा की दूसरी सदी में, तो उस समय में भारत में उन्होंने वो आर्ट डेवलप की थी, बट उसका उतना स्प्रेडिंग नहीं हुआ था. अभी कहा गंधार और कहा महाराष्ट्र की अजंता की केव्स, तो वो स्प्रेडिंग इतना दूर नहीं हो पाया. तो गंधर्व आर्ट जो है वो हमें इस अजंता केव्स के आर्किटेक्चर में नहीं दिखाई देती, पेंटिंग्स में नहीं दिखाई देती. तो आंसर क्या रहेगा अपना, सी. अभी विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉज द फंडामेंटल कॉज ऑफ द फर्स्ट कर्नाटका वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड फ्रेंच. क्या है, फर्स्ट कर्नाटका वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच, इसके मैं नोट्स आपको भेजूंगा, ये आपको याद रखना है. ये डिसीजिव बैटल्स है इंडियन हिस्ट्री की, सबसे पहला भी ये, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट है. ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के है, मतलब बेस है कुछ तो करके ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और 2012 के एनडीए की एग्जामिनेशन में आपको पूछा गया है. अभी इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स है, ये हम अभी देखते हैं क्या स्टेटमेंट्स है. द पार्टिसिपेशन ऑफ इंग्लिश एंड द फ्रेंच इन द नेटिव पॉलिटिक्स ऑफ कर्नाटका. ठीक है, क्या है, फंडामेंटल कॉजेस ऑफ फर्स्ट कर्नाटका वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच. तीन वॉर हुए थे, किस किस के बीच में, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में, कर्नाटका में. अभी फर्स्ट स्टेटमेंट, पार्टीशन ऑफ इंग्लिश एंड फ्रेंच इन द नेटिव पॉलिटिक्स ऑफ
कर्नाटका। अभी सेकंड है द एम्बिशन ऑफ डुप्लेक्स टू ड्राइव आउट द इंग्लिश फ्रॉम द साउथ। ये आपको याद रखना है, ये ड्यूप्लेक्स क्या है ये भी आपको स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि ड्यूप्लेक्स जो था वो फ्रेंच गवर्नर था उस समय में भारत का। अभी ट्रेड रिवाइवल बिटवीन द इंग्लिश एंड द फ्रेंच, द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन बिकॉज ऑफ विच ब्रिटेन एंड फ्रांस बिकम ईच अदर्स एनिमी इन एवरी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अभी ये तीनों चारों के चारों स्टेटमेंट्स यहां पर पूरे के पूरे डाउटफुल है। अभी इसका आंसर है ए। हालांकि ये जो रीजन है ये भी एक रीजन था कर्नाटका वॉर का, ये भी रीजन था, ये भी रीजन था, बट क्या होता है कि यहां पर फर्स्ट कर्नाटका वॉर हमें दिया गया है, तो ये बात याद रखो। इसमें बाकी जो तीन स्टेटमेंट है वो कुछ सेकंड वॉर के, सेकंड कर्नाटका वॉर के रीजंस है, कुछ थर्ड कर्नाटका वॉर के रीजंस है। तो आज का इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट। यही से क्या होता है कि फ्रेंचों ने और ब्रिटिशों ने भारत के पॉलिटिक्स में, मतलब कर्नाटका के, पर्टिकुलरली कर्नाटका के पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया था। दोनों के दृष्टिकोण से कर्नाटका एक बहुत ही अच्छा प्लेस था, क्योंकि कर्नाटका को सी कोस्ट है, तो इस सी कोस्ट का उनको व्यापार के लिए बहुत अच्छा फायदा हो सकता था करके कर्नाटक में उन्हें बड़ा ही इंटरेस्ट था, ब्रिटिशों को और फ्रेंचों को भी। अभी विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज द बेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्क क्लॉथ्स अंडर गुप्ता रेन, ऐसा सवाल आए अभी पूछा गया है। जनरल हिस्ट्री के बारे में आपको नहीं पूछा जा सकता कि समुद्रगुप्त कौन था, उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। अभी सिल्क का क्या, सिल्क एक कॉटन का प्रकार है। अभी सिल्क में क्लॉथ का ये जो प्रकार है ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। अभी गुप्ता रेंज में ये पूरे के पूरे गुप्ता एरिया के अंडर में थे, तो चारों के चारों डाउटफुल है। अभी इसमें आंसर रहेगा मुर्शिदाबाद। अभी मुर्शिदाबाद जो है वो है आज के पश्चिम बंगाल में, सॉरी बंगाल के एरिया में है, ठीक है। तो ये जो बंगाल का एरिया है, इस एरिया में क्या होता है कि सिल्क का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था, और इसी का कारण था कि वहां पर सिल्क के क्लॉथ्स भी बनते थे। ढाका, मुर्शिदाबाद, ये जो दो ठिकान थे वो एंशियंट, मतलब गुप्ता पीरियड से ही हमें यहां पर बहुत अच्छे से कॉटन और क्लॉथ्स का प्रोडक्शन होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि उसके बारे में रिकॉर्ड्स भी मिले हैं। कहते हैं कि ये जो हमारे इंडिया का सिल्क था, ये सिल्क यूरोप में उस समय में भी बहुत अच्छे दाम में बेचा जाता था, और या गुप्ता पीरियड से या फिर गुप्ता पीरियड से पहले से ही भारत का यूरोपियों के साथ कॉटन का व्यापार बहुत अच्छे से चलता था। और याद रखो, ब्रिटिश जब भारत में आए तो कॉटन का ही व्यापार जो था, ट्रेड था, वो सबसे किफायतशीर और फायदेशीर था उनके लिए, और उसका फायदा उठा के ब्रिटिशों ने यहां पर कॉटन का प्रोडक्शन बंद करवा दिया सख्ती से, और पूरी कॉटन प्रोडक्शन की स्किल और पूरी उसकी जो है उसको एकाधिकारशाही कहे, मोनोपोली कहे, वो पूरी की पूरी ब्रिटिशों ने ले ली। और यहां पर उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं लाया, इंडस्ट्रीज नहीं लाई, वो उन्होंने कहां पर शुरू की, उनके देश में, ब्रिटिश ब्रिटेन में, क्योंकि वहां के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, वहां के लोगों को पैसे मिलने चाहिए, भारतीयों से उनको कुछ लेन देन नहीं था, तो भारतीयों से उन्होंने सारा का सारा कच्चा मटेरियल वहां के वहां पे लेके जाने की सोची थी, और जो उन्होंने काम किया। तो यहां पर आंसर क्या रहेगा हमारा, मुर्शिदाबाद। अभी विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विथ रिगार्ड टू ऋग्वेद संहिता। अभी ऋग्वेद ने हमने पढ़ा था, वैदिक पीरियड में ऋग्वेद एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर था, पॉइंट था, तो अभी इसके बारे में स्टेटमेंट दिए गए हैं। 2011 एनडीए एग्जामिनेशन में ये सवाल पूछा गया था। देयर आर अबाउट 300
नॉन इंडो यूरोपियन वर्ड्स इन ऋग्वेदा, याद रखो। दूसरा स्टेटमेंट, देयर इज अ रेफरेंस ऑफ दशराजन बैटल ऑफ टेन किंग्स इन ऋग्वेदा, ठीक है। इट इज मेंशन इन द ऋग्वेदा दैट द भारत चीफ सुदास फॉट अगेंस्ट कॉन्फेडरेसी ऑफ टेन ट्राइब्स, टेन ट्राइब्स, इसीलिए इसको दशराज युद्ध भी कहा गया है। द पुरुज साइडेड विद भरता इन द बैटल ऑफ टेन किंग्स, अभी इसका आंसर क्या रहेगा वो भी जानते हैं। डी एक्सप्लेनेशन ऐसा है, ऋग्वेद में दशराजन युद्ध की कहानी बताई गई है। दशराजन मतलब नाम से ही याद आता होगा कि दस राजाओं के साथ लड़ा गया युद्ध। अभी दस राजा, ये राजा नहीं थे, एक ट्राइब्स थी, दस ट्राइब्स और उसके अगेंस्ट में एक राजा खड़ा था जिन्होंने इन दस ट्राइब के साथ में युद्ध लड़ा और वो युद्ध जीता। ये एक युद्ध की कहानी बताई गई है ऋग्वेद में। अभी वो जो दस राज्य थे या फिर दस छोटे छोटे ट्राइब्स थे उनके नाम क्या थे, तो वो थे अनु, द्रुयु, पुरु, तुर्वसु, यदु, पक्त, अलीन, शैव, कैकत और भलानाज, ऐसे दस नाम थे। ये जो दस ट्राइब्स थे इन्होंने सुदास जो भरत नाम की एक ट्राइब का राजा था, तो क्या होता है ये सुदास इन दसों ट्राइब को हरा देता है और कहा ऐसे जाता है कि उस सुदास का जो एंसिस्टर्स थे जिनको भरत वंश की टोली भी कहा गया है, मतलब सबसे पहला पुरुष भरत था, तो उसके टोली के वजह से ही आज के भारत के, उसके ट्राइब की वजह से ही आज के भारत को हम भारत इस नाम से जानते हैं, आज हमारे देश को हम भारत इस नाम से जानते हैं। अभी हमारा स्टेटमेंट क्या था, तो ये सही है, उसमें इंडो यूरोपियन वर्ड्स भी आते हैं और 300 वर्ड आते हैं ऋग्वेद संहिता में। दूसरा जो था, देयर इज अ रेफरेंस ऑफ दशराजन युद्ध इन ऋग्वेदा, ये भी स्टेटमेंट सही है। इट इज मेंशन इन ऋग्वेदा दैट द भारत चिप सुदास फॉट अगेंस्ट कॉन्फेडरेसी ऑफ टेन ट्राइब्स, ये भी सही है। और ये जो चौथा सेंटेंस है ये डाउटफुल है, ये जो पुरु का यहां पर उल्लेख किया गया है, ये पुरु भरता के साइड में नहीं थे, भरता के अगेंस्ट में थे, मतलब इस टेन कॉन्फेडरेसी अगेंस्ट, ये जो है कॉन्फेडरेसी ऑफ टेन ट्राइब्स, इसके साथ में थे पुरुष, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है और यही हमारा आंसर है।